आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VLOOKUP। VLOOKUP के कुछ ट्रिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको VLOOKUP, MATCH, INDEX, OFFSET, HLOOKUP ये तीन चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम आते हैं कुछ ट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास नेम है, प्रोडक्ट है, वी हैव द नेम एंड प्रोडक्ट, और हमारे पास क्वांटिटी है, एमआरपी है, और ये हमारा डेटा है। स्क्रीन नहीं आ रहा, हमने देख लिया स्क्रीन। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास नाम पूजा तो है, हमने पूजा लिखा और हमने VLOOKUP लगाया, और VLOOKUP में हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 1, 2, 3, 4 तो क्वांटिटी आ गई। तो मान लीजिए पूजा ना हो, कि अगर होगा पूजा कुमारी, या होगा आपका पूजा पूजा कुमार। अच्छा, इसमें पूजा के बाद रिपीटेड है, इस कारण से ये सब दिक्कत आ रहा है। मैं एक बार करता हूँ, नाम रिपीटेशन हटा देता हूँ। यहाँ पे एन आ गया, ठीक है। तो कैसे हो, तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, कंटेन का, कि हम पूजा के आगे आगे पीछे अगर हम यहां पे स्टार्ट लगा देते हैं तो ये कंटेन हो जाएगा और हमारा VLOOKUP उसको मैच कर, राइट सर। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने यहां पे कविता लिख दिया, ऐसे बहुत सारे नाम, कैसे करें इसके? तो इसके लिए हम VLOOKUP लगाएंगे, और VLOOKUP में हम यही पे स्टार लगा के एंड परसेंट करेंगे, हम कविता को सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड परसेंट, और फिर हम स्टार लगाएंगे, फिर कॉमा, टेबल एरे में हम यहां आते हैं, फोर, राइट। आप जो है अपने डेटा में लगा सकते हैं, और या फिर आप अपना इसमें लगा सकते हैं। इसका यूज कहां करते हैं, जैसे स्टेटमेंट वगैरह आप डाउनलोड करते हैं तो स्टेटमेंट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने नेट बैंकिंग या कहीं से स्टेटमेंट डाउनलोड किया तो उसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समझ में आया आफिया जी, रेशम जी एंड रजनीकांत जी एंड विकास चौहान जी, तो ऐसी तरह से आपके पास कैसा ऑप्शन है। अगर मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहां पर लिख दिया पूजा, ये हो जाएगा एंड विद पूजा, हमने यहां पे लिखा पूजा और यहां हमने लगा दिया स्टार्ट, ये हो जाएगी स्टार्ट विद पूजा, और दोनों तरफ हमने लगाया उसको कहलाया जाएगा कंटेन पूजा, ठीक है। अब मेरे डेटा में ऐसा है कि जैसे यहां पे देखिए ट्रिपल डी, ऐसे 3 डिजिट का कोई कोड होगा हमें उसका चाहिए, ठीक है, एक कोड डाला है उसका चाहिए। तो यहां पे हम 3 बार क्वेश्चन मार्क रखेंगे,
और फिर यहां पे हम करेंगे डी लुकअप। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा को सिलेक्ट करते हैं कॉमा 4.0 और 35 आया। अब 35 किसका आया? इसका आया। नंबर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जो कंटेंट ऑप्शंस हैं ये सिर्फ चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर, ये नंबर पे वर्क नहीं करता है। ठीक है सर, आपका ये नंबर पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ वर्क करेगा तो किसपे? कंटेंट। तो रजनीकांत जी समझ में आया आपको? जी हाँ। विदाउट इसमें नहीं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सागर जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। थोड़ा देर लेट हो गया, कुछ टॉपिक निकल गया है, इससे रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो हमने बात की कंटेंट, अगर हम डी लुकअप लगाते समय हमारे पास तो यूनिक नहीं है तो उस समय मतलब कि हमने पूजा ढूंढ कर रहे हैं, पूजा नहीं हुआ, पूजा कुमारी हुआ, पूजा सिंह हुआ, ऐसे नाम हुए तो उसके लिए हम स्टार की का हेल्प करेंगे। अब मेरे पास जो चीज है कि मुझे क्वांटिटी को लुकअप करना है, बट इसमें आप देख रहे हैं पूजा, पूजा डीवीडी है, नीचे आप देखेंगे तो पूजा रैम है, उसके नीचे देखेंगे तो पूजा HD है। तो मैं यहां पे नेम लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट। तो मैंने बोला भाई मुझे पूजा जो है HD मतलब कि हार्ड डिस्क का जो प्रोसेसिंग है उसकी क्वांटिटी चाहिए। अब वी लुकअप हमेशा एक ही इसको क्या बोलते हैं, एक यूनिक की को अकॉर्डिंग चलता है, एक ही डेटा को मैच करता है, बट मेरे पास दो दो कॉलर है। अगर मुझे सम वगैरह करना होता तो हम इस पे सम इफ्स लगा देता, बट यहां पे कोई वी लुकअप्स नहीं है हमारे पास, तो वी लुकअप एक ही करेगा। लेकिन उसके लिए हम अपनी तरफ से कुछ तिगम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक कॉलम ऐड करते हैं और यहां पे हमने पूजा और पूजा और इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया किसको? प्रोडक्ट को। तो हमारे पास मल्टीप्लाई का जगह पे एन परसेंट देना चाहिए, जल्दी से हमने इसको नीचे की तरफ जाएगा। अब जहां हम लगा रहे हैं वहां भी हम वी लुकअप लगाएंगे और यहां नेम और एन परसेंट में हम डैश देते हैं, वापस HD ले लेते हैं। तो जैसा हमने यहां किया था सेम हम यहां भी कर रहे हैं। और फिर हम डेटा को लुकअप कर रहे ठीक है सर। तो सागर जी समझ में आया आपको ये एग्जाम्पल? सागर जी आपके बैकग्राउंड से म्यूट सो रहा था, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करके जो पूछना पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास तीन कॉलम हुआ तो आप तीन के साथ कंबाइन करेंगे, चार हुआ तो चार के साथ कंबाइन करके आप अपना डेटा को लुकअप कर सकते हैं। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब आप ये लुकअप में कुछ डेटा हम करना चाहेंगे। वैसे अभी तो चलो ये था, लेकिन मेरे पास जो है एक डेटा में बनाता हूं, डेटा में गया मैंने इसको रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। रिमूव डुप्लीकेट हो गया। यहां पे मेरे पास सेल्स, ये हमारा डेटा। तो डेटा हमारा इस तरह से है, इसमें यूनिक ही सब तो डुप्लीकेट नहीं है, पूजा का दो बार डुप्लीकेट है, तो जो सामने प्रोडक्ट अलग है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ इस तरह से चाहिए। हाँ बोलिए सुन रहा हूँ। We are providing the online classes for the advanced sectional and medium macro program. This is the live interactive virtual session. You can join our classes from your computer and mobile phone live. And we are also providing some demo classes. So for the, yeah, right, we are working for page months and we are tend to also working for page months. We have a different classes. So log on to the website ipptindia.com. There is a level of complete tutorials. Sorry, sir. So यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास नेम इस फॉर्मेट में। अब मुझे क्या करना है, देखना है डेटा भी कि पूजा डीवीडी में 90 है तो यहाँ पे हम यहाँ पे 90 डालेंगे। सीडी में कितना है तो हम सीडी में देखेंगे, पूजा सीडी में देखेंगे मुझे है, राइट सर। तो अब हमको इसको मैच करना है कैसे, तो चलिए हम जो तरीका यहां पे अपनाए थे सेम तरीका हम यहां भी अपनाए। तो हमने यहां पे गए और हमने यहां पे इसको लिया और इसको आपस में हम कॉन्केट कर देते हैं ताकि यूनिक बन जाए और नीचे की तरफ ड्रैग करना जरूरी है। फिर हम यहां पे वी लुकअप लगाएंगे और वी लुकअप में इसको हम ऊपर वाले के साथ कॉन्केट करेंगे और डेटा में जाएंगे। चौथा कॉमा फोर कॉमा, नीचे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना होगा। तो सागर जी समझ में आया आपको? नहीं फिर से समझाऊंगा कैसे क्या। हाँ फिर से समझा, मतलब ये समझ में नहीं आया आपने किस लगा है? क्या मैं वी लुकअप समझ में नहीं आया या फिर ड्रैग किया वो समझ में नहीं आया?
अभी लुकअप लगाया वो समझ में नहीं। मेरे पास जो डेटा है वो डेटा इस तरह से टेबल फॉर्मेट में, लेकिन हम हमने लाना है इसको इस तरह के रिपोर्ट फॉर्मेट, राइट राइट। हमने क्योंकि हमारे पास यूनिक आईडी होना चाहिए, तो हमने एक यूनिक आईडी यहाँ पे क्रिएट किया, राइट राइट। यूनिक इसे यहाँ पे किया था, तो इसे क्या हुआ कि हम यहाँ मिल गया। अब यहाँ मैं डी लुकअप लगाऊंगा, तो हम यहाँ लुकअप वैल्यू में हम नेम, तो हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपस में कंबाइन कर दूंगा, जैसे ताकि जैसा डेटा में है वैसा यहाँ पे बन जाए। हाँ हाँ ओके ओके समझ गया। तो हम नेम के आसपास भी ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ पूजा अंडरस्कोर, हाँ अंडर कुछ भी डैश तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने ऐसे सेपरेटर लगा दिया, देना भी जरूरी नहीं है। और यहाँ पे 4.0। अब ड्रैग करने के लिए, अब जैसे आगे ड्रैग करेंगे तो ए जो है बी बन जाएगा, नीचे ड्रैग करेंगे तो बी वन बी टू हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। हम इसको फ्रीज कर देते हैं ताकि ऐसे प्रॉब्लम ना हो। और फिर डेटा को फिनिश कर देते हैं। और इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे ड्रैग कर देते हैं। डेटा आ गया। अब चलिए हम एक काम और करते हैं, मैं यहाँ पे नेम देता हूं और मैं यहाँ पे डेट देता हूं, ठीक है, आज का ही डेट देता हूं। तो मेरे पास इस तरह का डेटा है और यहां पे नेम दे दिया। इसी का उल्टा कर रहा है, ठीक है, अब मेरे पास दूसरे डेटा में हमें ढूंढना है इस तरह से नेम और डेट। मुझे इसकी सेल चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या था कि हमारा डेटा अरेंज था और हमने इसको टेबल फॉर्मेट में लुकअप किया था। अब मेरे पास यहाँ डेटा अरेंज यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में है, मुझे इस तरह से रो फॉर्मेट में इसकी रिजल्ट चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आप VLOOKUP लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे और पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जनरली मैं 2 या 3 कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो डेट के हिसाब से चाहिए हमें। तो जहां पे हमें टू लिखा है हम यहाँ पे मैच करते हैं, हम VLOOKUP और मैच को कंबाइन कर देते हैं। मैच क्या है कि कॉलर नंबर ढूंढ के देगा कि आखिर कॉलर नंबर है कि नहीं। अब इसको नीचे ड्रैग करने से पहले हमें इसका V2 का सही है ये इसका ये फिक्स करना है। हो गया, समझ आया? हाँ हाँ समझ में आया। अब आपको आप लोगों के पास क्वेश्चन है, मतलब ये फाइल में आप लोगों को भेज रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि मुझे जो डेटा है सीट को इसी से लेना है। हमें यहाँ पे है डेटा फ्रॉम सीट को, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम जैसे हमने पूजा दे दिया, और मुझे इसका डेटा चाहिए फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। हाँ बोला, मैं यहाँ मान लीजिए 1 तारीख से लेके मैं यहाँ पे बोला 1 तारीख तक का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए पूरा, ठीक है, 1 तारीख से लेके 10 तारीख का डेटा यहाँ आना चाहिए। और जैसे जैसे हम डेट चेंज करें, हमारा डेट भी चेंज होना चाहिए और डेटा भी चेंज होना चाहिए। बन जाएगा आप लोगों से काय? हेलो रजनीकांत जी, बन जाएगा आपसे? जी हाँ बिल्कुल। ये फाइल में आप सबको भेज रहा हूं, मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें 4-5 वीडियो थे, वो सारे VLOOKUP के थे। और देखो सागर, सागर जी आपका कौन सा है? तो बनाइए और मुझे भेजिए इस पर। मैं इसकी वीडियो आप लोगों को शेयर कर देता हूं। चलो तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।